मेडिकल एंड नर्सेज था। आज की क्लास है हमारी टारगेट क्लास 6, जिनका अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है। और उसके पहले मैं बता दूं कि रिसेंट में जो पेपर हुआ था एमपी में, आई थिंक 1 जून को पेपर हुआ था, उसकी आंसर की आ गई है, आज इवनिंग में आपके लिए अपडेट कर दी जाएगी। और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं उस पेपर को लेके या किसी भी अपकमिंग पेपर को लेके, आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि 10 जून से है जो लाइव क्लासेस रहेगी, बट आज और आप प्रीमियर क्लास से काम चला लीजिए, कल से मे बी 11 जून से आपकी क्लास है जो लाइव कर दी जाएगी, जिसमें सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं बता दूं कि आपके लिए अपकमिंग टाइम में तो इम्पोर्टेंट हैं ही, चाहे आप BSF, NVS, UPSC के थ्रू, ESIC, GNCH या कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। लेकिन यदि जो भी लोग अपकमिंग टाइम में किसी NHM या स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। और ANM वालों की क्लासेस सेपरेट चल रही हैं, जो कि अल्टरनेट चैनल पे आपको अपडेट कर दी जाती हैं। कोई भी डाउट रह जाते हैं आपको क्वेश्चन पेपर को लेके या फिर स्टडी मटेरियल को लेके, तो आप व्हाट्सएप पे बेझिझक होके पूछ सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, द नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट्स एमनियोटिक फ्लूड, द नर्स डिसाइड दैट इट अपियर्स नॉर्मल बिकॉज इट इज़। तो एज अ नर्स आप एमनियोटिक फ्लूड को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप जब देखते हैं तो जो उसका अपियरेंस है नॉर्मल, किस तरीके से पता करेंगे कि ये नॉर्मल है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, क्लियर एंड डार्क एम्बर कलर्ड कंटेनिंग श्रेड्स ऑफ म्यूकस, मिल्की ग्रीनिश येलो कंटेनिंग श्रेड्स ऑफ म्यूकस, क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पेक्स, या फिर क्लाउडी ग्रीनिश येलो कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पेक्स। इनमें से आपको बताना है कि नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूड है बेस्ड ऑन कलर के हिसाब से कौन से कलर का होगा। यहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूड का आपने एमनियोटिक फ्लूड की स्पेशली कि जो कलर को लेके एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आते हैं कि यदि रेड कलर का है तो क्या प्रॉब्लम होगी, ग्रीन है तब क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन में दिया गया है कि क्लाउडी ग्रीनिश येलो है, क्या है, ग्रीनिश येलो है, लिटिल वाइट है साथ में, तो किस तरीके का एमनियोटिक फ्लूड होगा, ये होगा सेफ्रॉन कलर, जिसको आप कह सकते हैं होगा पोस्ट मैच्योरिटी के कारण, मतलब कि बच्चा आफ्टर 42 वीक्स के बाद पैदा हुआ है, क्या है, बच्चा आफ्टर 42 वीक्स के बाद पैदा हुआ है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया है, तो जो एमनियोटिक फ्लूड का कलर होता है वो नॉर्मल होता है, क्लियर कॉन्साइज कलर होता है, कभी कभी कुछ वाइट स्पेक्स टाइप के उसमें दिख सकते हैं। तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया एमनियोटिक फ्लूड। मिल्की ग्रीनिश येलो, क्या है यहाँ पर, मिल्की ग्रीनिश येलो टाइप है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये भी आपका नॉर्मल नहीं है। अब क्लियर और डार्क एम्बर कलर का है, यहाँ पर यदि आपको कहें क्लियर और डार्क एम्बर कलर में आएगा तो ये आपका फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा, किसमें, फीटल डिस्ट्रेस में। तो यहाँ पर यदि आपको नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूड का कलर नेचर पूछे तो ये क्या होगा, क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पेक्स। अब यहाँ पर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल तो हो गया, यदि ग्रीन है एमनियोटिक फ्लूड, ग्रीन है मतलब क्या है यहाँ पर, फीटल डिस्ट्रेस, ये हो सकता है किसके कारण, मेकोनियम स्टैंड करने के कारण, किसके कारण, मेकोनियम यदि बच्चा है जो एस्पिरेट कर गया हो। गोल्डन कलर की यदि हम बात करें तो गोल्डन कलर का कब होगा, जब RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी तब, क्लियर है, RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी तब ये कैसे होगा, गोल्डन कलर का होगा। सेफ्रॉन, सेफ्रॉन जो केसर होती है उस कलर को, या फिर आप इसके लिए ग्रीनिश येलो भी कंसीडर कर सकते हैं, ये कब होगा, ग्रीनिश येलो होता है पोस्ट मैच्योरिटी के कारण, ग्रीनिश कब होगा, पोस्ट मैच्योरिटी के कारण, ग्रीनिश येलो पोस्ट मैच्योरिटी के कारण होगा। यदि डार्क रेड है, डार्क कलर्ड कहें या डार्क रेड कहें, मतलब ये कुछ एक्सीडेंटल हेमरेज और ब्लीडिंग हुई है उसके कारण हो सकता है। और यदि ब्राउन कहें, कैसे, ब्राउन या फिर टोबैको जूसी, तो ये किसके कारण है, ये होता है
IUD इंट्रा यूट्राइन डेथ के कारण बच्चे की गर्भ में ही डेथ हो गई है। तो इतने क्या थे, कलर को लेके एबनॉर्मेलिटीज थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नर्स ऑब्टेन्स अ स्पेसिमेन ऑफ क्लियर नेजल ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट विथ हेड इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिफ्रेंशिएट म्यूकस फ्रॉम द CSF। तो यहाँ पर एज अ नर्स है आप, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, यदि किसी को हेड इंजरी होती है, क्या है, हेड इंजरी होती है, तो यहाँ पर नाक से क्या हो रहा है, कुछ ड्रेनेज हो रहा है हेड इंजरी के कारण। तो आप कैसे पता करेंगे कि ये नाक से जो म्यूकस आ रहा है या फिर हेड से CSF है जो ड्रेन हो रहा है, किस तरीके, कौन सा यहाँ पर डिफरेंस बताएगा, प्रोटीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्लूकोज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होगा। तो जनरली जो यहाँ पे म्यूकस और CSF के बीच का डिफरेंस बताने के लिए पूछा है, तो किससे पता चलेगा, प्रोटीन से, स्पेसिफिक ग्रेविटी से, ग्लूकोज से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये आपको पता चलेगा CSF से, किससे, CSF है कि म्यूकस से पता चलेगा, ग्लूकोज से, क्योंकि म्यूकस में ग्लूकोज नहीं होगा कंपेयर टू CSF के। और ये वैल्यू आपको पता कहाँ से पता चलेगी, ये वैल्यू आपको कहाँ से पता चलेगी, ये चलेगी आपको पता ग्लूकोज टेस्ट करके। तो यहाँ पर CSF में कितना ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है, जनरली होता कितना है, 2.5 to 4.4 mol पर लीटर के हिसाब से होता है। जो CSF में प्रोटीन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.5 to 4.4 mol पर लीटर, या फिर 45 to 80 mg पर dL। यदि आपको इस तरीके से याद रखना है, ये वैल्यू याद रखें आप, ये वाली, तो ये होता है ग्लूकोज की वैल्यू, किसकी, ग्लूकोज की, CSF में। और जो डिफ्रेंसिएशन पता चलेगा कि म्यूकस है कि यहाँ पे CSF, तो कौन पता, कौन से टेस्ट से पता चलेगा, ग्लूकोज को चेक करके। नेक्स्ट वन, द थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द क्लाइंट विथ प्री एक्लेम्सिया डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। तो यहाँ पर MgSO4 यदि क्लाइंट को दिया जा रहा है, मरीज को, क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, इसको हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इसको आप कह सकते हैं। तो इसके लिए, इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, MgSO4। MgSO4 क्यों दे रहे हैं आप, यदि पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया है तो प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया में कन्वर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और उन्हीं एक्लेम्टिक फिट्स को मैनेज करने के लिए MgSO4 दिया जाएगा। तो यदि आप मरीज को, प्री एक्लेम्सिया वाले मरीज को MgSO4 दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए मॉनिटर करेंगे, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर के लिए, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट के लिए, इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट के लिए, कि डिक्रीज्ड यूरिनरी इरेटेबिलिटी के लिए, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे उस पेशेंट को मॉनिटर करते रहेंगे। तो यहाँ पे यदि आपने MgSO4 दिया है मरीज को, तो आप यूरिनरी आउटपुट को मॉनिटर करेंगे, क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि BP जनरली बढ़ता है, तो जो ब्लड वॉल्यूम है और जो आपकी बॉडी में फ्लूड वॉल्यूम वो भी बढ़ेगा, उसको हमें क्या करना है, बॉडी से फ्लश्ड आउट करना है। और MgSO4 दे रहे हैं जब आप, तो आपको यूरिनरी आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, तो उस चीज़ को आपके लिए चेक करते रहना है। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोवाइडर है कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है, तो ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, जिसको यहाँ पर क्या कहा गया है, हैगर साइन, जिसमें टू फिंगर हैं जो एंटीरियर फॉर्निक्स के यहाँ से, और जो एब्डोमिनल हैंड रहेगा बिहाइंड द यूट्रस। तो यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेशन मैनली परफॉर्म किया जा रहा है टू फिंगर्स के थ्रू, तो ये कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है हैगर साइन। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के साइन होते हैं जो एग्जाम में आपको आते हैं। तो यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट होते हैं, आप फील करते हैं बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो उसको क्या कहेंगे हम, पाल्मर साइन। हैगर साइन में क्या होगा, टू फिंगर्स से एंटीरियर फॉर्निक्स की तरफ हम क्या करेंगे, और दूसरा हाथ क्या कहाँ पर होगा आपका, जो यूट्रस का जो बिहाइंड पार्ट है, बैक साइड का पार्ट है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज़ें चेक की जाएंगी
वो कौन सा साइन कहलाएंगे, हैगर साइन। ये भी एक बाय मैनुअल एग्जामिनेशन है जो यहाँ पर टू फिंगर्स के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है। फिर आता है गॉडल्स साइन। तो गॉडल्स साइन के लिए हम क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइनल पोर्शन। जो वेस्कुलराइजेशन है उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर सॉफ्टनिंग हो रही है, तो क्या गॉडल्स साइन। और सीएंडर साइंस का मतलब होता है कि वेजाइनल पल्सेशन फेल्ट होगा आपको जब क्या होगा, टर्न प्रेगनेंसी में जनरली आपके लिए फील होगा। तो यहाँ पर क्या है, ओसिएंडर साइन। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट शुड बी गिवन इन टीपीएन फॉर्मूला। तो टीपीएन फॉर्मूला में क्या दिया जाता है, ऑप्शन में यहाँ पर अमीनो एसिड, लिपिड, डेक्सट्रोज, फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन मिनरल एंड डेक्सट्रोज, डेक्सट्रिन, ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है, या तो टीपीएन में क्या क्या आपको दिया जाता है, तो ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट है जो यहाँ पर दिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, प्रोटीन किस फॉर्म में रहेगा और फैट है जो किस फॉर्म में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, टीपीएन फॉर्मूला में क्या दिया जाएगा, तो टीपीएन फॉर्मूला में दिया जाता है अमीनो एसिड, जो यहाँ पर हमने अभी जस्ट आपको बताया कि ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ये तीनों चीज़ें दी जाती हैं टीपीएन के थ्रू। बट यहाँ पर जो ग्लूकोज किस फॉर्म में दिया जाता है, डेक्सट्रोज में, प्रोटीन किस में दिया जाता है, अमीनो एसिड में, फैट दिया जाएगा लिपिड के इमल्सिफिकेशन फॉर्म में, जिसको हमें इमल्सीफाई करने की ज़रूरत बाद में नहीं पड़ेगी। तो इमल्सीफिकेशन फॉर्म में है जो क्या दिया जाता है, लिपिड है जो, सॉरी यहाँ पर फैट है जो दिया जाता है लिपिड फॉर्मेट का इमल्सीफिकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर दिया जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों कि टीपीएन फॉर्मूला में क्या रहेगा, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, लेकिन इनको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा बाकी, बल्कि इनका जो केमिकल कंपाउंड है फिर जो मैन नेचर है उसके थ्रू दिया जाएगा। तो ग्लूकोज डेक्सट्रोज फॉर्मेट में दिया जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट दिया जाएगा लिपिड फॉर्म में। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस। यदि आप किसी बच्चे का लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना चाहते हैं तो सही पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज या फिर वेट फॉर हाइट। तो यहाँ पर बच्चे का यदि आप किसी भी स्टेट में यदि न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है आपको, तो बेस्ट तरीका आपका क्या होगा यहाँ पर, तो जो हाइट है वो एज के अकॉर्डिंग तो बढ़ती ही है, क्या है, हाइट है जो एज के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, लेकिन किसी किसी बच्चे में आपने देखा होगा कि जो वेट है वो एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी हो सकता है। बट यदि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करते हैं तो क्या होगा, हाइट फॉर एज, क्या होगा, हाइट फॉर एज। आपके इवन आप जो भी लोग पीडियाट्रिक पढ़े हुए हैं उनको तो आइडिया होगा ही, लेकिन जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े तो मैं बता दूं कि आप इनको एज एन प्रैक्टिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस देखेंगे कि कुछ बच्चे होंगे, हाइट सबकी सेम नहीं होती है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग यदि हमें लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात हो रही है, यदि शॉर्ट टर्म के लिए कहते तो वो होता वेट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग जो वेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें हम तो वेट नहीं बढ़ता है, एज जैसे जैसे बढ़ती है वेट बहुत ही कम बढ़ता है एज कम्पेयर टू हाइट के। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हाइट फॉर द एज, क्योंकि लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी इंडिकेट। तो बेबी में एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग का पता हमें कब चलेगा, बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, यूरिन 5 to 7 टाइम्स पर डे या फिर स्टूल 4 टाइम्स अ डे। तो यहाँ पर क्या होगा जिससे हमें पता चलेगा कि बेबी ने जो ब्रेस्ट फीड किया उससे उसका जो टमी है फुल हो गया है, क्या साइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब बेबी एक बार ब्रेस्ट फीड करने के बाद एटलीस्ट 2 आवर के लिए सो जाता है बिना रोए धोए तो क्या होगा, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कहलाएगी। यदि 8 से 10 बार यूरिन पास आउट करता तब भी हम कह सकते कि बेबी को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड है जो हुआ है दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीड को लेके तो 2 घंटे सोना है, जो यहाँ पर यदि बेबी एक फीडिंग के बाद 2 घंटे के लिए सोता है दैट मीन्स बेबी क्या है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। 5 to 7 टाइम्स की जगह यदि यहाँ पर 8 to 10 टाइम्स होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप,
एंड रिफरल सर्विसेज अंडर ICDS आर एप्लीकेबल टू विच एज ग्रुप। तो यहाँ पर बेनिफिशियर्स ग्रुप पूछा है कि जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्या है एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप के लिए दिया जाएगा, 12 से 14 साल, 3 से 6 साल, 8 से 10 साल या फिर 9 से 12 साल। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बेनिफिशियर्स एज ग्रुप क्या होगा। तो यदि एज ग्रुप की बात की जाए तो जो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, कैसे प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो इनमें से प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कौन से, 3 to 6 ईयर्स, तो इनको क्या दिया जाता है ICDS के तहत सप्लीमेंट्री नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर ICDS लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को, एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। यदि इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एजुकेशन जो कि नॉन फॉर्मल, जो जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि 3 to 6 ईयर एज ग्रुप में न्यूट्रिशनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन है जो ICDS स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ अस्थमा इज एडमिटेड टू द वार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड्स इमीडिएट एक्शन बाय द नर्स। तो यदि 10 साल का बच्चा एडमिट हुआ है वार्ड में, अस्थमा है उसको, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन एज अ नर्स आप सबसे पहले करेंगे। ऑप्शन में ब्रीद रेट 20 पर मिनट, सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, रिफ्यूजिंग टू ईट फूड, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96%। यदि ब्रीद रेट 20 पर मिनट है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 है, दैट मीन सही है। यहाँ पर एज अ नर्स आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट को हम क्या करेंगे, सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन पूरा लाई डाउन करने के लिए नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या कहेंगे इस टाइप के पेशेंट के लिए, यदि 10 साल का बच्चा है अस्थमा है, तो किस चीज़ पर हम तुरंत एक्शन लेंगे, तो वो होगा सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन। नेक्स्ट है यहाँ पर, द आइटम शोन इन द इमेज, तो यहाँ पर दो इमेज आपको दिख रही हैं एक ही चीज़ की हैं, तो ये है क्या। ऑप्शन में यहाँ पर साकेट टेप, मल्टीपर्पज टेप, ट्रायस टेप या फिर रिस्ट टेप, तो यहाँ पर कौन सा है जो इमेज है जो यहाँ पर दिख रही है, तो जो इमेज दिख रही है यहाँ पर ये क्या है, साकेट टेप, जिससे हम MUAC चेक करते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको क्या कहेंगे, साकेट टेप। अब यहाँ पर आपको तीन बैंड दिख रहे हैं, इसमें तीन कलर दिख रहे हैं, ग्रीन, येलो और रेड, तो ये क्या करते हैं, CBRT को प्रेजेंट करेंगे। यदि MUAC कितना हो, 12.5 से लेके 13.5 तक हो, कितना सेंटीमीटर में यदि बात हो रही, तो 12.5 सेंटीमीटर से 13.5 सेंटीमीटर तक हो, दैट मीन्स बेबी क्या है, फुली हेल्दी है। और यदि यही येलो कलर शो करेगा और ग्रीन भी शो करेगा, लेकिन MUAC आपका 11.5 से कम जाता है, दैट मीन्स बेबी क्या है, माल नरिस्ड, सीवियरली माल नरिस्ड कैटेगरी में आ जाएगा। तो MUAC की जो रेंज है यहाँ पर, ये देखिए ग्रीन कलर तक शो हो रही है, दैट मीन्स बेबी क्या है, फुली हेल्दी है। येलो आता है तो मॉडरेट है और रेड आता है तो सीवियरिटी है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इमेज, तो यहाँ पर एक जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है वो क्या है। ऑप्शन में है यहाँ पर साल्टर स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल या फिर बीम बैलेंस। तो यहाँ पर जो स्केल दिख रही है क्या, आपने जनरली जो 1 ईयर से कम एज के बच्चे होते हैं उनका वेट इस पे चेक किया जाता है, तो ये है क्या, तो यहाँ पर क्या है, बीम बैलेंस। इमेज ध्यान से देखिए क्या है, बीम बैलेंस। जो यहाँ पर अदर इमेज हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, लास्ट स्प्रिंग स्केल, जिस पे हम बेबी को एक हुक यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पे लटका के बेबी का वेट चेक कर सकते हैं, लास्ट में साल्टर स्केल, ये आपने जनरली आंगनवाड़ी सेंटर में देखी होगी। नेक्स्ट वन इज माइलस्टोन शोन इन इमेज अपीयर्स एट एज ऑफ, तो जो यहाँ पर बेबी जो हरकतें कर रहा है तो ये किस एज में करेगा, क्राउलिंग कर रहा है। ऑप्शन में 3 month, 4 month, 7 month या फिर 10 month। क्रीपिंग कहते हम तो वो होता 7 month में, लेकिन यहाँ पर क्राउलिंग हो रही है तो कब होगी, होगी 10 month की एज में। क्रीपिंग और क्राउलिंग में डिफरेंस है, याद रखना, जो बेबी यहाँ पर कर रहा है क्या है, क्राउलिंग है, लेकिन जो क्रीपिंग होती है उसमें बेबी क्या करता है, अपना जो एब्डोमन है उसके बल पर क्या होता है, खिसकता रेंगता,
लेकिन यहाँ पर क्या है बेबी, उसका एब्डोमन पूरा अप है, हैंड और नी के बल पर क्या कर रहा है, क्राउलिंग कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पैगेट डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पैगेट्स डिसीज यहाँ पर किसके कारण होगी, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया और नन ऑफ द अबव। जो पैगेट्स डिसीज है ये क्या है या फिर किसके कारण होगी, तो पैगेट्स डिसीज किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो यह है यहाँ पर किसका, बोन्स का, और ये किसके कारण होगा, हाइपरकैल्सेमिया, जब कैल्शियम का लेवल कम होगा बोन्स में, तो यहाँ पर पैगेट डिसीज क्या है, तो ये हाइपरकैल्सेमिया के कारण, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हाइपरकैल्सेमिया। और इसमें क्या होगा, जनरली जो पैगेट्स डिसीज की कंडीशन है जो कि बोन्स को क्या होगा, एक्सेसिव बोन रीऑब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ पर बोन्स में क्या होगा, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, तो एक इसको मेनली अफेक्ट करेगा। यहाँ पर द मदर्स प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फुल टर्म न्यू बॉर्न। यदि प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम है, 1/6 होता है बेबी के वेट के, तो यहाँ पर बेबी का वेट कितना होगा, 2 kg, 3 kg, 4 kg या फिर 5 kg। तो फुल टर्म प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 500 से 600 ग्राम तक अप्रॉक्सीमेट रेंज यदि पूछते तो 500 ग्राम होता है। और जब ये कम माना जाता है, जब बेबी का वेट नॉर्मली टर्म बेबी का वेट 2.5 से 3 केजी तक होगा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 केजी, क्या होगा, 3 केजी। अब यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बेबी का वेट भी दिया है, प्लेसेंटा का वेट भी दिया है, तो प्लेसेंटा का वेट यदि पूछते हैं तो कितना होता है, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, कितना, 1/6 ऑफ द बेबी वेट। और यदि अर्ली टर्म पूछा जाता है तो जो बेबी क्या हो, अर्ली टर्म का मतलब है कि बिटवीन 37 वीक 0 दिन 38 वीक 6 डेज, मतलब पूरे 39 वीक्स के टाइम पर ही डिलीवर होंगे। फिर आते हैं फुल टर्म जो कि 39 वीक्स से लेकर 49 वीक तक, लेट टर्म एंड पोस्ट टर्म, पोस्ट टर्म यदि पूछते हैं तो 42 वीक्स के बाद जो डिलीवरी होगी वो। नेक्स्ट वन इज लेबर इज टर्म्ड प्रेसिपिटेट इफ टोटल लेबर प्रोसेस कंप्लीट विद इन, तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है पहले, तो यदि लेबर की प्रोसेस कितने घंटे में कंप्लीट हो जाती है तब हम उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 5 आवर। तो प्रेसिपिटेट कहा जाएगा जब लेबर है जो पूरी प्रोसेस 2 घंटे में हो जाती है, उसके अंदर 2 घंटे के अंदर हो जाती है, तो प्रेसिपिटेट मोर देन 18 आवर से ज़्यादा लगते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्प्लिंट सोन इन द फोटोग्राफ, तो यहाँ पर फोटोग्राफ में आपको एक स्प्लिंट दिख रहा है फिंगर्स के यहाँ लगा हुआ, तो क्या है, नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, कॉकअप स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर स्प्लिंट दिख रहा है आपको इमेज में, कौन सा स्प्लिंट है, नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, जो कि जनरली फिंगर फ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है, यदि किसी को फिंगर में कुछ डिसेबिलिटीज हो तो उनके लिए स्प्लिंट यूज किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, नकल ब्लेंडर स्प्लिंट। नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई द सिंबल सोन इन द इमेज, तो यहाँ पर इमेज में एक सिंबल दिख रहा है आपको, तो एक किसका है, रेडिएशन हैजार्ड का, साइटोटॉक्सिक वेस्ट का, बायोहैजार्ड का या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। सिंबल दिख रहा है किसका है, रेडिएशन हैजार्ड का, साइटोटॉक्सिक का ब्लू कलर से होगा और ऐसे ही सेम ब्लैक येलो होगा किसका, बायोहैजार्ड का, बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकिल का कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा और उसमें 3 टाइप से पत्तियाँ बनी हो सकती हैं या फिर कुछ ग्रीन एरो लगे रहेंगे जो क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप इन क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट इज टू यूज, तो यदि किसी को फूड ड्रॉप से हमें प्रिवेंट करना है, पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट पर है, तो कैसे करेंगे, स्प्लिंट से, क्रेडल से, ब्लॉक से या फिर सैंडबैग से, कैसे हम फूड ड्रॉप को प्रिवेंट कर सकते हैं बेड रेस्ट वाले पेशेंट में, सैंडबैग से। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन एन IM इंजेक्शन, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, 0.5 ml, 2 ml, 1 ml या फिर 6 ml। यदि IM इंजेक्शन की बात हो रही है तो मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है, तो कितना, 6 ml तक है जो हम दे सकते हैं एक बार में, एक साइड कितना दे सकते हैं, 6 ml तक। नेक्स्ट वन इज कॉमनेस्ट कार्सिनोमा अमंग वुमन इज, तो वुमन में सबसे ज़्यादा होने वाला कार्सिनोमा कौन सा है,
ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओरल कैविटी या फिर लंग्स, ये सभी होते हैं। सबसे ज़्यादा लेकिन होता है वो कौन सा है? कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ जिडोविडिन इज, जिडोविडिन का जो कि क्या है, एआरटी ड्रग है, क्या है, एआरटी ड्रग है, एड्स ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। यहाँ पर जिडोविडिन का एक एडवर्स इफेक्ट कौन सा है? बोन मैरो सप्रेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लिथार्जिक या फिर हेडेक। तो जिडोविडिन का जो एक एडवर्स इफेक्ट है यहाँ पर वो क्या है, बोन मैरो सप्रेशन, क्या है यहाँ पर, बोन मैरो सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज फ्यूनेस इज ऑल्सो नोन एज, अब यहाँ पर हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन आपको गायनिक के ऐड हो जाते हैं, तो फ्यूनिस का दूसरा नाम क्या है? अम्ब्लाइकल वेन, अम्ब्लाइकल आर्टरी, अम्ब्लाइकस या फिर अम्ब्लाइकल कॉर्ड। तो फ्यूनिस का मतलब होता है अम्ब्लाइकल कॉर्ड, यदि नॉर्मल लेंथ पूछते हैं तो कितनी होती है, 50 से 55 सेंटीमीटर, क्या है, फ्यूनिस का दूसरा नाम है अम्ब्लाइकल कॉर्ड, और अम्ब्लाइकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, 50 से 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर्स इन द, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, यूट्रस में, यूट्राइन ट्यूब में, एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब या फिर इंटरस्टियल पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको पता है कहाँ पर होती है, एम्पुला में, कहाँ पर होती है, यूट्राइन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है वहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेंथ होती है जो फेलोपियन ट्यूब की कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज एनीमिया विच इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, तो यहाँ पर विटामिन B12 का कम एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो एनीमिया होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर की भी कमी होगी, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन में एप्लास्टिक, सिकल सेल, डाइमॉर्फिक या फिर एडिसन, परनीसियस एनीमिया। जो एनीमिया विटामिन B12 की कम एब्जॉर्प्शन के कारण, ऐसा नहीं कि आप लेते नहीं हैं, लेते हैं लेकिन बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जिसकी कमी के कारण ऐसा हो रहा है, तो क्या है, तो वो यहाँ पर एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट वन इज द टर्म फ्लेगमासिया अल्बाडोनल्स रिफर्स टू, ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा कि फ्लेगमासिया अल्बाडोनल्स है जो क्या टर्म है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो यहाँ पर जो फ्लेगमासिया अल्बाडोनल्स का मतलब है क्या है, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहेंगे, जो कि पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें पोस्टपार्टम फीवर के साथ साथ जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रहेंगी पेन के लिए वो काम नहीं करेंगी, इसको हम क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर सेप्टिक पेल्वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट वन इज द सेंसस काउंट इज टेकन ओनली वंस इन ईयर, तो हमेशा सेंसस है जो कब लिया जाता है, 10 साल, कितना, सॉरी, एक बार, एक कब दिया जाता है, 10 साल में एक बार है जो सेंसस लिया जाता है। फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में, इंडिया का लास्ट सेंसस यदि बात करें अभी तो 2011 में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट वन इज जेट ट्रैक मेथड इज यूज फॉर गिविंग IM इंजेक्शन बिकॉज, तो जेट ट्रैक मेथड में IM इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं, जो भी हेलोपेरिडॉल है या फिर जो भी इरिटेबल मेडिसिन है वो जेट ट्रैक मेथड से ही दी जाती हैं, तो ऐसा क्यों, बिकॉज इट्स ए इजी एडमिनिस्ट्रेशन टू रिड्यूस द पेन, फास्ट एक्शन या फिर सील द मेडिकेशन। तो IM इंजेक्शन क्यों दिया जाता है जेट ट्रैक मेथड में, क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, मेडिकेशन को सील कर देंगे, अदर टिश्यूज में मेडिकेशन लीक नहीं हो पाएगी, इससे इरिटेशन नहीं होगा, तो इसीलिए जेट ट्रैक मेथड IM इंजेक्शन को देने के लिए यूज़ की जाती है। जो भी इरिटेबल मेडिसिन होती हैं जनरली वो इसी जेट ट्रैक मेथड को अपना के एडमिनिस्टर की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एल्कोहल विड्रावल सिम्टम इज, तो एल्कोहल विड्रावल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, नेलॉक्सॉन, डायसल्फेराम, एसिटामिनोफेन या फिर क्लोरडाइजेपॉक्साइड। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी विड्रावल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए एल्कोहल के, वो क्या होगी, क्लोरडाइजेपॉक्साइड।
डाइसल्फ्राम एज एन डिट्रेंट के तौर पे काम की जाएगी, लेकिन क्लोर डाइज एपॉक्साइड है जो विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाएगी, वो भी किसके, एल्कोहल के। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल इज यूजिंग इन क्लिनिकल सेटिंग फॉर द स्किन डिसइंफेक्शन, दिस एल्कोहल इज मेड अप ऑफ। तो हमने हॉस्पिटल में जो एल्कोहल देखा है, क्लिनिकल सेटिंग में एल्कोहल देखा है, तो वो किस टाइप के एल्कोहल से बना होता है, इथाइल, मिथाइल, एथेनॉल या फिर आइसोप्रोपिल। तो जो हॉस्पिटल सेटिंग में और आपके जो सैनिटाइजर्स हैं उनमें कौन सा एल्कोहल रहता है, तो उनमें होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कौन सा होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नेक्स्ट वन इज डेथ ऑफ अ वुमन वाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन एंड द साइट ऑफ प्रेगनेंसीज। यदि किसी वुमन की डेथ प्रेगनेंसी में डिलीवरी होने से लेकर 42 दिनों के अंदर तक हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, IMR, NMR, MMR या फिर नन ऑफ दी अबव। कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के 42 दिनों तक भी यदि किसी फीमेल की डेथ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट। क्या कहेंगे हम यहाँ पर उसको, मैटरनल मॉर्टलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द एस्टिमेट फीटल वेटेज। यदि मान लीजिए आपको फीटल वेट पता नहीं है तो फीटल वेट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जॉनसन्स फार्मूला, नेगल्स, जैकॉबसन्स या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बेबी का जो फीटल वेट है हमें पता करना है तो किससे अपना चेक करेंगे, हम जॉनसन्स फार्मूला से, किससे करेंगे, जॉनसन्स फार्मूला से। अब यहाँ पर जो फार्मूला है अकॉर्डिंग टू दैट क्या किया जाएगा, फीटल वेट इन ग्राम्स माइनस 155 इंटू फंडल हाइट इन सेंटीमीटर माइनस के। तो यहाँ पर के क्या है, फीटल हेड है एट माइनस स्टेशन में, 12 जो यहाँ पर यूज़, यदि मान लीजिए यहाँ पर रहा कि फीटल जो वेट हमें ग्राम में पता करना है तो 150 इंटू फंडल हाइट इन सेंटीमीटर माइनस के है जो, और के यहाँ पर क्या है, फीटल माइनस स्टेशन है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा के, जॉनसन्स फार्मूला लगा के फीटल के वेट को हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज। तो यदि किसी के प्रॉपर पीरियड्स नहीं आते हैं तो ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो कौन सी ड्रग है जो ली जाएगी ओवुलेशन को इंडिकेट करने के लिए, सॉरी इंड्यूस करने के लिए, जिसके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो वो अपने पीरियड्स टाइम पर लाने के लिए, ओवुलेशन के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो कौन सी मेडिसिन है, ऑप्शन में प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, मेटफॉर्मिन या फिर क्लोमिफीन। तो मेडिसिन ली जाएगी ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए, वो क्या है, क्लोमिफीन। क्या है, क्लोमिफीन ओवुलेशन इंड्यूसिंग एजेंट है जो कि दिए जाते हैं ओरली। नेक्स्ट वन इज कैंसर ऑफ द सर्विक्स इज कॉज्ड बाय, सर्वाइकल कैंसर होने का जो कॉज है वो क्या है, HPV, HIV, ट्रिपनोवा पैलिडियम या फिर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तो यहाँ पर जो कॉज है वो क्या है, वो HPV वायरस। क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मोस्ट कॉमन कॉज है किसके लिए, सर्विक्स कैंसर के लिए। ट्रिपनोवा पैलिडियम पॉजिटिव एजेंट है किसका, सिफिलिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर अदर देन एक्सक्रीटा इज रिफर्ड एज। तो हाउस होल्ड वेस्ट जिसमें एक्सक्रीटा दैट मीन्स फीकल मटेरियल इंक्लूड नहीं है तो क्या है, सीवेज, रिफ्यूज, गार्बेज या फिर सलिज। तो यहाँ पर उस वेस्ट का क्या नाम दिया जाएगा जिसमें क्या है, एक्सक्रीटा है जो मिक्स नहीं है, तो क्या है यहाँ पर, सलिज। क्या है, सलिज। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू इज नोन एज। यदि बॉडी की साइज और टिश्यू बस बढ़ते हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ग्रोथ, मैच्यूरेशन, डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी कि बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ बस हो रही है, बाकी और कुछ है जो नहीं हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा यहाँ पर ग्रोथ। क्या कहलाएगा, ग्रोथ। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है, जिसको हम सेंटीमीटर और इंच पाउंड में चेक कर सकते हैं, जैसे वेट है, हाइट है, किस में आएंगे, ग्रोथ में। डेवलपमेंट में मैच्यूरेशन होंगे, फंक्शनिंग होगी, स्किल होगा, बच्चों का बोलना होगा, ये सब किस में आएगा, डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है यहाँ पर टू कंप्यूट IQ विच फार्मूला इज यूज। तो IQ कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो है इंटेलिजेंटी क्वांटो के लिए, तो वो मेंटल इज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यदि आपको एग्जाम में मेंटल एज 10 दे दी जाती है, क्रोनोलॉजिकल एज 20 दी जाती है,
तो आपको क्या करना है, उसको 100 से गुणा कर देना है, जो आपका निकल के आएगा वो क्या होगा, आईक्यू होगा। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट टेस्ट डेवलप टू मेजर इंटेलिजेंसी वॉज डिजाइंड बाय, तो पहला टेस्ट है जो इंटेलिजेंसी के लिए बनाया गया था, किसने बनाया था, रेचलर ने, विलियम स्टर ने, बिनेट सैमन ने, या फिर नन ऑफ दी अबव ने। तो यहाँ पर जो टेस्ट है इंटेलिजेंसी टेस्ट पहली बार किसने बनाया था, बिनेट सैमन ने, किसने, बिनेट और सैमन ने। नेक्स्ट वन इज एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज, तो बच्चे की जो हेड की साइज है, सिर की साइज है, वो एडल्ट की साइज के 90% तक कब हो जाएगी, 3 साल में, 4 साल में, 8 साल में, फिर 10 साल में। जनरली जो इन्फेंट्स होते हैं उनका एडल्ट के बराबर 90% तक हेड का साइज हो जाता है 3 साल की एज में, कब हो जाता है, 3 साल की एज में। नेक्स्ट है यहाँ पर मिसेस प्रीति 22 ईयर ओल्ड लेडी डिलीवर्ड अ प्रीमेच्योर बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, तो यहाँ पर बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन है जो दी जाएगी यदि प्रीति नाम की पेशेंट का बेबी प्रीमेच्योर डिलीवर हो गया है, तो ऑक्सीटोसिन, रेनिटिरिन, डेक्सामेथासोन, या फिर टेस्टोस्टेरोन, तो मेडिसिन दी जाएगी यदि प्रीटर्म डिलीवरी हो गई है, प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हो गया है, कौन सी मेडिसिन बेबी के लिए हेल्पफुल होगी, वो होगी डेक्सामेथासोन, लंग मैच्यूरेशन में हेल्प करेगी, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन इज अ 2 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड हैज फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन, चेस्ट इनरोलिंग, वीजिंग, फीवर, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड, तो यहाँ पर जो साइन बताए जा रहे हैं, चेस्ट इनरोलिंग, वीजिंग और फीवर, ये तीनों साइन किसके, निमोनिया के, और इन तीनों साइन का जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर एंटीबायोटिक है जो यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे। साइन है जो चेस्ट इनरोलिंग, वीजिंग, फीवर, निमोनिया के साइन है ये तीनों, लेकिन जो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो क्या होगा, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन इज इन अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाएगा, 0 to 14 days, 14 to 8 weeks, 8 weeks to 38 weeks, या फिर नन ऑफ दी अबव। यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूछा है तो कितना होगा, 14 दिन से लेकर 8 वीक तक का, कितना होगा, 14 दिन से लेकर 8 वीक तक का। प्रीनेटल पीरियड में जायगोट पूछते हैं तो 0 to 14 days, फिर आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो 14 to 8 weeks की, फिर आता है फीटस 8 वीक से लेकर एट द टाइम ऑफ बर्थ तक फीटल है जो माना जाएगा। पोस्टनेटल में आते हैं अर्ली नियोनेट जो फर्स्ट 7 वीक के होते हैं, फिर आते हैं लेट जो कि 7 दिन से 28 दिन के, फिर होते हैं इन्फेंट जो कि पूरे 1 साल के होंगे, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, टोटलर 1 से 3 साल, फिर प्री स्कूल 3 to 6 years होगा, स्कूल एज 6 से 10 साल होगी गर्ल्स में, बॉयज में 6 से 12 साल तक, एडोलेसेंसी होगी 13 से 18 साल, लेकिन एडोलेसेंट स्टेज यहाँ पर गलत टाइप हो गई है, जनरली जो एडोलेसेंट स्टेज होती है वो कितनी होती है, 10 to 19 years तक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक और जूनोसिस डिसीज, जूनोटिक समझ लीजिए आप, जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो किसी इन्फेक्टेड एनिमल से आपको ह्यूमन बीइंग को लगे, क्या है, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में होने वाली डिसीज जूनोटिक डिसीज कहलाती है, और इनमें से जूनोटिक डिसीज कौन सी है, तो वो रेबीज, इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने से ह्यूमन बीइंग में होगा वो क्या होगा, रेबीज, और एक इस टाइप की डिसीज यहाँ पर एनिमल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या है, जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अपनाया था, 1997, 1996, 1965 या फिर 1993 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था 1993 में, 1993 में। नेक्स्ट वन इज एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बेस्ड बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जिसका यदि हमने ज़्यादा बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया तो स्टोर ना हो के बल्कि बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाता है, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, या फिर विटामिन डी। तो अब यहाँ पर जो विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होगा बल्कि एक्सक्रीट हो जाएगा वो होंगे विटामिन बी और विटामिन सी, बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि इतनी ईजिली बॉडी से फ्लश्ड आउट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो बेस्ट
यहाँ पर किसी भी विटामिन को हम ज़्यादा ले लेते हैं कि इस विटामिन को इसके कारण वेस्ट भी होगा ना ही बॉडी में स्टोर होगा, क्योंकि तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी। अब तो इतने सारे जो साइन है यहाँ पर किस डिजीज के साइन है, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, तो किसके यहाँ पर जो साइन है आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और बहुत सारे लोगों को कुछ आइडियाज टिप्स चाहिए थी, मेरे ब्लॉगिंग चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो करें, कीर्तिस ब्लॉगिंग के नाम से आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। मॉस्क्यूटो हो जाएंगे, अब यदि वो वायरस बैक्टीरिया मॉस्क्यूटो के अंदर रहा तो आपको वाइट करेगा तो आपके अंदर आ जाएगा, रिगर्जिटेशन से भी आ सकता है, स्क्रैचिंग इन और ऑफ इन्फेक्टिव फीसेस से भी आ सकता है, किसी भी बॉडी फ्लूड, किसी भी होस्ट के बॉडी फ्लूड यदि कोई इन्फेक्टेड है उसके थ्रू भी आ सकता है। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में है कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर के थ्रू कोई भी डिसीज कैसे ट्रांसमिस हो सकती है, तो वेक्टर में आपके डॉग आ जाएंगे यदि वो आपको काटते हैं, तो मच्छर आ जाएंगे, किसी भी तरीके का फ्लूड आ जाएगा, तो वो सब क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में होस्ट में एंटर होना है जिस वेक्टर को वो है, तो वो ट्रांसमिशन इन सभी से पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो यहाँ पर अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन यूज किया जाता है लेबर के टाइम पर एक्टिव मैनेजमेंट के लिए, ताकि PPH को आप मेंटेन कर सकें। यहाँ पर अर्गोमेट्रिन सभी केस में दिया जाएगा किसी एक को छोड़कर, प्रोलॉन्ग लेबर में दिया जाएगा, सीवियर एक्लेम्सिया में दिया जाएगा, प्रीमी ग्रेविडा में दिया जाएगा, किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन क्या है, प्रेगनेंसी में जिसको भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम होगी उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि BP क्या करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, वो पर्सन ऊपर निकल लेगा सीधा। तो यहाँ पर किस केस में नहीं देंगे हम, सीवियर प्री एक्लेम्सिया के केस में अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। यहाँ पर यही कहा है कि अर्गोमेट्रिन किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट होगा, तो होगा सीवियर प्री एक्लेम्सिया या प्रीक्लेम्सिया। जब भी प्रेगनेंसी में क्या होगा, BP बढ़ने की समस्या है, हाई BP है, या फिर प्री एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया, तो ऐसे केस में हम अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रक्शन के लिए क्या करेगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा और एक्लेम्सिया को और ज़्यादा, और जो एक्लेम्सिया के साइन सिम्टम है उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, इवन पर्सन है जो इस केस में ऊपर तक जा सकता है, तो ऐसे केस में आप अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज अर्ली फीचर्स ऑफ एस्प्रिन पॉइजनिंग आर, तो एस्प्रिन सेलिसिलेट्स हैं, या तो आपको सेलिसिलेट्स पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट एस्प्रिन पूछ सकते हैं। तो अर्ली फीचर होगा, अर्ली साइन हम कह सकते हैं एस्प्रिन पॉइजनिंग का, क्या होगा, रैसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर में, हेडेक होगा, क्या होगा, तो जो अर्ली फीचर्स हैं एस्प्रिन पॉइजनिंग के वो होगा रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, कानों में आपको घंटी जैसे, जिसको हम टिनिटस कहेंगे, उस तरीके का साउंड है जो फील होगा, क्या होगा, टिनिटस, जिसको हम रिंगिंग सेंसेशन कह रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होगा, फील होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टिनिटस या फिर रिंगिंग साउंड। नेक्स्ट इज ड्रग यूजफुल फॉर गट, तो गट में कौन सी मेडिसिन यूजफुल होगी, नेलोक्सोन, पायरेजिनामाइड, एलोप्यूरिनोल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। गट में क्या होगा, जो यूरिक एसिड है आपकी बॉडी में जनरली क्या हो जाएगा, एक्सेल होगा, बाहर जाएगा, निकलेगा एक्सक्रीशन के थ्रू, लेकिन यदि किसी केस में यूरिक एसिड ऑक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए, और इसका ऑक्यूमुलेशन कहाँ पर होगा, जॉइंट्स में, कहाँ पर, जॉइंट्स में होगा, किडनीज में भी हो सकता है, इस यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी एलोप्यूरिनोल। क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गट एलोप्यूरिनोल, जो कि मार्केट में ज़ाइलोप्रिम या फिर अदर नाम से अवेलेबल हो सकती है, और जो अर्थराइटिस का रीज़न भी है वो क्या है, गटी अर्थराइटिस का,
वो क्या है, यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होना, ये सबसे, या तो ये बनेगा ज़्यादा या फिर बनने के बाद आपकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है तो जॉइंट्स में इकट्ठा होगा। जब जॉइंट्स में इकट्ठा होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, गट। और जब यूरिक एसिड बन गया है तो इसको हमें बाहर निकालने का काम भी करना है, तो ये कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट वन इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिसीजेज। तो कौन सी डिसीज़ है जो न्यूनेट्स को वैक्सीन के थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं, न्यूनेटल डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन देंगे, टीबी देंगे, पर्ट्यूसिस देंगे, टिटनेस या फिर मीजल्स। वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिसीज़ इनमें से कौन सी है, तो यहाँ पर जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है न्यूनेट्स के लिए, यहाँ पर न्यूनेट की बात हो रही है, तो वो होगी यहाँ पर टिटनेस। क्योंकि क्यों हमें कब देते हैं, माँ को देते हैं, जब जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके जनरली थर्ड और फोर्थ मंथ में टिटनेस की वैक्सीन हम देते हैं, टीटी वैक्सीन देते हैं, और एक महीने का गैप देके हम फिर से वैक्सीनेट करेंगे। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, माँ को तो टीटी से प्रिवेंट कर ही रहे, लेकिन जो हमारा इस टाइम पर मेन एम होता है, जो अपकमिंग होने वाला बच्चा है, उसको टिटनेस से प्रिवेंट करना। तो यहाँ पर जो टिटनेस प्रिवेंटेबल, सॉरी, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल न्यूनेटल डिसीज़ की बात की जा रही है, तो इसलिए वो क्या होगी आपकी, टिटनेस। ये सभी वैक्सीन दी जाती हैं, टीबी के लिए बीसीजी दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, पर्ट्यूसिस, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए पेंटावेलेंट में जो 5 वैक्सीन इंक्लूडेड हैं वो दी जाती हैं, मीजल्स 9 महीने कंप्लीट एज करने के बाद दी जाती है। लेकिन न्यूनेटल डिसीज़ को प्रिवेंट करने की बात हो रही है तो वो होगी टिटनेस, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर माँ को टीटी इंजेक्शन दिया जाता है, उससे हम जो होने वाला अपकमिंग बेबी है उसको हम टिटनेस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE, ये क्वेश्चन OSSE एग्जाम में रिसेंट में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। MMSE मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, सॉरी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसकी स्कोरिंग कितनी होती है, 13, 47, 30 या फिर 55। MMSE आपने साइकेट्री में पढ़ा है, आई थिंक थर्ड ईयर में पढ़ा है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कोरिंग होती है वो होती है 30, 30, ये रहा MMSE। तो इसमें चीज़ें चेक की जाती हैं, उसमें आपका होगा ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, रिकॉल मतलब क्या क्या चीज़ें याद हैं, और लैंग्वेज और कॉपिंग। तो यहाँ पर जो चीज़ें चेक की जाएंगी, कॉग्निटिव असेसमेंट किया जाएगा यहाँ पे आपका, तो मैक्सिमम होगा कितना, 30। यदि 24 से 30 के बीच में, मतलब पर्सन को कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है, सब चीज़ें उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से पता है, 18 से 23 आता है तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में आएगा। यदि 0 to 17 तक, मतलब पर्सन को साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है, इसमें क्या है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, क्या है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, और ए जनरली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को असिस करने के लिए एज एन क्वेश्चनायर के तौर पे यूज़ किया जाता है MMSE। आप पूछते जाएंगे, पर्सन बताते जाएगा जिस तरीके के आंसर देगा, यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग देंगे, और नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन को असिस करेंगे। मैक्सिमम स्कोर होगा 30, यदि 30 आता है मतलब पर्सन क्या है, स्वस्थ, उसको किसी भी तरीके की कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने खुद के बाल खींचेंगे, इमीप्रामाइन, एक्रोफोबिया, ऑलेंजापाइन या ट्राइक्लोटनोमेनिया, कौन से केस में बच्चे खुद के बाल खींचना स्टार्ट कर देते हैं। एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे अपने खुद के बाल खींचते हैं, वो कहलाती है ट्राइकोटलोमेनिया। क्या है ट्राइकोटलोमेनिया, ऐसा नहीं कि बच्चा अपने बाल खींच रहा है तो उसको ट्राइकोटलोमेनिया हो गया, कुछ केस में जब बच्चे के ईयर में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, तब भी बच्चे अपने जो कान पुल करने के साथ साथ बाल भी खींचने का काम करेंगे, तो उस टाइम पर आप बच्चे को ट्राइकोटलोमेनिया कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ईयर पेन के कारण हो रहा है, हेडेक के कारण भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन यदि बच्चों की हैबिट में ये चीज़ आ जाए कि अपने बाल ही खींचते रहना इस तरीके से, तो क्या कहलाएगा, ट्राइकोटलोमेनिया। ग्रेविडा मदर इंगेजमेंट अकर्स एट अप्रॉक्सीमेटली ऑफ जेस्टेशन, प्रीमी ग्रेविडा मदर मतलब पहली बार जो माँ बनने वाली है तो इंगेजमेंट कब देखने को मिलेगा, मतलब जो हेड है, क्या है, बच्चे का हेड है पेल्विस में इंगेज होने का काम है, जो कब करेगा,
थर्टी टू थर्टी टू वीक्स में, थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स वीक में, थर्टी टू टू थर्टी फोर वीक्स और थर्टी एट टू फोर्टी वीक्स में प्रीमी ग्रेविडा मदर में एंगेजमेंट देखने को मिलेगा। चौंतीस से छत्तीस वीक की प्रेगनेंसी में कब? थर्टी फोर टू थर्टी सिक्स वीक में, जिसको हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग कहेंगे, कि जो एंगेजमेंट है अप्रॉक्सीमेटली किस एज में होगा, सॉरी किस वीक की जेस्टेशनल एज में होगा, तो होगा चौंतीस से छत्तीस वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज कॉज ऑल एक्सेप्ट ओरल पिल, सब कुछ कॉज कर सकती हैं किसी एक को छोड़कर। डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर है, फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ओरल पिल्स है जो सब कुछ करेंगी किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पर ओवेरियन कैंसर को इवन ट्रीट करने के लिए भी क्या दिया जाता है, ओरल पिल्स दी जाती है। सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, लेकिन लेकिन ओरल पिल्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को होने का खतरा है जो कम नहीं कर सकती। ये काम कौन करेगा, जो डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये काम करेगा जो माँ अपने बच्चे को फीड कराती हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और नर्सिंग मदर में कम रहेगा। लेकिन ओरल पिल्स से सब कुछ हो सकता है किसी एक को छोड़कर, तो ओरल पिल्स से क्या क्या होने के चांसेस रहेंगे, सब होने के चांस होंगे, लेकिन इट कैन डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का कैरेक्टर फीचर क्या है, वॉटरी डायरिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जेली लाइक स्टूल और कॉन्स्टिपेशन। पाइलोरिक स्टेनोसिस में स्टेनोसिस का मतलब क्या होगा, नैरोनेस। यदि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस है तो क्या होगा, फोर्सफुल प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, क्या होगी, फोर्सफुल वो भी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर जेली लाइक स्टूल, तो जेली लाइक स्टूल देखने को मिलते हैं इंटेसोसेप्शन में, कब, इंटेसोसेप्शन में देखने को मिलेगा जब कंजेनाइटल मेगाकोलन में क्या होगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो यहाँ पर इंटेसोसेप्शन देखने को मिलेगा। जेली लाइक स्टूल पूछे तो इंटेसोसेप्शन में, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग पूछे तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी को आप कैसे कन्फर्म कर सकते हैं कि यूट्रस में एक बेबी है, दो हैं, कि ट्विन प्रेगनेंसी है, कि तीन है, HCG से, USG अल्फा पीटो प्रोटीन या फिर पालपेशन से। तो अल्फा पीटो प्रोटीन से तो आप बच्चे में कोई कंजेनाइटल स्पाइना बायफिडा या फिर डाउन सिंड्रोम डेवलप नहीं हो रहा है, वो चेक कर सकते हैं। HCG हार्मोन से प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन USG से क्या होगा, कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक या फिर एक से दो या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, तो आप क्या करेंगे, USG से बेटर रिजल्ट है जो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स के परफोरेशन के बाद जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखेंगे वो कौन सा होगा, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज या फिर PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो अपेंडिक्स का यदि परफोरेशन होता है, अपेंडिक्स परफोरेट होती है, बस्ट आउट होती है, तो जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा वो पेरिटोनाइटिस, क्या होगा, पेरिटोनाइटिस। तो लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन, जो है एब्डोमेन की लाइनिंग है, लेयर है, वो क्या कहलाती है, पेरिटोनियम, और इसके किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्टेड होगी, फिर क्या करेगी, पूरी कंडीशन यदि पेरिटोनियम जो लेयर है वहीं इन्फेक्टेड होती है, तो हम कहेंगे पेरिटोनाइटिस, और ये क्या करेगी, इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज करने का काम कर सकती है। तो यदि अपेंडिक्स परफोरेट होने का कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछे, क्या, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर फ्लूड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद पर्सन में यदि आपको कैन्यूला लगाना है फ्लूड रिप्लेसमेंट के लिए, तो कितने नंबर का कौन सा लगाएंगे, ऑरेंज कलर का, पर्पल कलर का, ग्रीन कलर का, कि ग्रे कलर का। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद यदि जो आप कैनुला रिप्लेस करते हैं, फ्लूड रिप्लेस करने के लिए कैनुला यूज़ करेंगे, वो होता है ग्रीन कलर का, कौन सा, ग्रीन कलर का कैनुला। 16 गॉज और या फिर रेड कलर जिसको हम कहेंगे, तो ये हम कब यूज़ करते हैं, ये करेंगे हम ग्रे कलर या फिर 16 कलर का हम कहेंगे, तो
जब लार्ज वेन में कोई भी सर्जरी की जानी हो हाई रिस्क हो उस टाइम पे 18 गॉज का यूज़ करते हैं जब ग्रीन कलर का जब आपको बहुत ज़्यादा फ्लूड है जो एडमिनिस्टर करना हो 20 गॉज का जनरली इमरजेंसी में कोई भी फ्लूड एडमिनिस्टर करना हो तब यूज़ करेंगे हम। फिर 24 गॉज का जनरली पीडियाट्रिक यूज़ में यूज़ किया जाता है और जो छोटे बच्चे हैं उनमें यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर। तो रूम टेम्परेचर पे ब्रेस्ट मिल्क को आप कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे या फिर 6 घंटे। तो ये क्वेश्चन ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर पर स्टोर करने का टाइमिंग है जो पूछा जाता है। तो यदि रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम 4 घंटे तक, कितना 4 आवर तक आप ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में जो अपेंडिक्स है उसमें पेन हो रहा है तो यहाँ पर आप एसेस करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में पेन हुआ, लेफ्ट लोअर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर अपेंडिसाइटिस में जो पेन होगा वो होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। आप टच करेंगे लेफ्ट साइड लेकिन पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, जिसको हम कहेंगे मैक बर्नी पॉइंट। तो यहाँ पर ये क्या है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट। क्लिनिकल साइन इज सीन इन द इमेजेस। तो यहाँ पर इमेज में कौन सा साइन दिखाई दे रहा है, फोर्थ गिल साइन, कैसल साइन, कार्नेट साइन या फिर ब्रुजिल्स्की साइन। तो यहाँ पर कौन से साइन को एक जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर नर्स है जो असिस्ट कर रही है, डॉक्टर असिस्ट कर रही है, तो यहाँ पर ये साइन चेक किया जाए कार्नेट साइन। कौन सा कार्नेट साइन है जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि एब्डोमिनल पेन है जो किस एरिया में हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, कार्नेट साइन। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर इमेज आपको एम्स एग्जाम में आ सकती है, पूछा जा सकता है कि कौन सा साइन है यहाँ पे चेक किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है, तो ये कार्नेट साइन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है एक्यूट एब्डोमिनल पेन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्थ गिल साइन भी एब्डोमिनल वॉल को असिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये जनरली हेमेटोमा जब कोई इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह हुई हो तब। कैसल साइन है जो स्प्लीनोवेगाली को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्नेट साइन एब्डोमिनल पेन के लिए है, कैसल साइन है जो स्प्लीनोमेगाली के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ऑप्शन में कलर ऑफ द बॉडी, हार्ट रेट परमानेंट, रेस्पिरेटरी रेट परमानेंट या फिर मसल टोन। तो यहाँ पर कलर ऑफ द बॉडी चेक किया जाता है, हार्ट रेट चेक की जाती है, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाता है, मसल टोन चेक की जाती है। रेस्पिरेटरी एफर्ट रोने के थ्रू चेक किया जाएगा बच्चे का, ना कि रेस्पिरेटरी रेट चेक की जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा रेस्पिरेटरी रेट परमानेंट, इट कैन नॉट बी चेक्ड इन द अपगार स्कोर। रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाएगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट से आपको पता चलेगा बच्चा प्रॉपर रोता है नहीं, किससे पता चलेगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट। अपियरेंस मतलब स्किन कलर चेक किया जाएगा, हार्ट रेट चेक की जाएगी, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी चेक की जाएगी, एक्टिविटी मसल टोन चेक किए जाएंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक किया जाएगा कि बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग क्राई करता मतलब बच्चा अच्छा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट परमानेंट। नेक्स्ट वन इज इफ़ द यूट्रस बिकम बोगी आफ्टर 1 आवर ऑफ डिलीवरी द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द मिडवाइफ वुड बी। तो यदि डिलीवरी के बाद यूट्रस है जो बोगी दिख रही है, फूली दिख रही है घंटे के बाद भी, तो आपका इनिशियल जो प्लान है वो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, चेक द बीपी, नोटिफाई द फिजिशियन, ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग या फिर मसाज द यूट्रस। ऐसे केस में यदि यूट्रस बोगी शेप में होती है तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि यूट्रस की मसाज करना, और इसलिए क्योंकि हो सकता है कि यूट्रस को क्या है, डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर ऑन द फंडस ऑफ द यूट्रस एट दिस में इंक्रीज द इन्वर्जन ऑफ यूट्रस।
तो यहाँ पर वोगी इसलिए हो रही है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसलिए यदि प्रॉपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते जाते हैं तो ठीक रहेगा। लेकिन यूट्रस को आप कंटिन्यू मसाज करें, यूट्रोटॉनिक्स ड्रग को एडमिनिस्टर करें ताकि आप पीपीएच को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मसाज द यूट्रस। यूट्रोटॉनिक ड्रग्स कौन सी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज इन एल्कोहलिज्म विच काइंड ऑफ क्वेश्चनायर मेथड इज यूज। तो एल्कोहलिज्म में आप शराब पिए हैं, कौन सी क्वेश्चनायर मेथड से आप असेस करेंगे, केज, पेट, एमएमएससी या फिर ऑल। जो क्वेश्चनायर मेथड अपनाई जाएगी वो कहलाती है केज क्वेश्चनायर। क्या है, केज क्वेश्चनायर। इस क्वेश्चनायर में चेक किया जाएगा। केज क्वेश्चनायर का मतलब हैव यू एवर फेल्ट यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग। एल्कोहलिज्म वाले मरीज में आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा केज क्वेश्चनायर में कि आपने कभी सोचा है कि आप शराब छोड़ देंगे। हैव पीपल अनॉयड यू बी क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग। लोग आपको परेशान करते हैं कि आप शराब पीते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आपको कभी गिल्टी फील हुई है, एवर फेल्ट बैड और गिल्टी अबाउट योर ड्रिंकिंग, या फिर एवर हैड एन आई ओपनर टू स्टडी नर्व्स इन द मॉर्निंग, या फिर कभी कभी आपको सुबह के टाइम आँखें खोलने में दिक्कत होती है। तो क्या केज क्वेश्चन है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो पर्सन से पूछे जाएंगे। एग्जाम में दो क्वेश्चन आ सकते हैं एल्कोहलिज्म के, या तो विड्रावल सिम्टम केज क्वेश्चन आता है, या फिर आपको जो डाइसल्फ्राम है वो भी आ सकती है। क्लियर, तो आपको एल्कोहलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको प्रिपेयर करके अपने जाना है। नेक्स्ट वन इज इन द न्यू बॉर्न वाइट इज लेयर ओवर द स्किन इज कॉल्ड। न्यूबॉर्न बेबी की पूरी बॉडी पर वाइट कलर की लेयर होती है, क्या कहलाएगा, म्यूकोसा, वर्निक्स सिजोसा, मिकोनियम या फिर वियनिंग। न्यूबॉर्न बेबी की पूरी बॉडी पर वाइट कलर की लेयर होती है और ये कहलाती है वर्निक्स सिजोसा। क्या है, वर्निक्स सिजोसा। मिकोनियम तो फर्स्ट पासिंग स्टूल है बेबी का, वियनिंग आफ्टर 6 मंथ के बाद जो भी खाना पीना स्टार्ट करते हैं वो होगा। इस तरीके से जो वाइट वाइट लगा है, क्या है, वर्निक्स सिजोसा। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी नीड टू अवॉइड। यदि बच्चे को कीमोथेरेपी दी जा रही है तो यहाँ पर आप उसको कहाँ जाने से अवॉइड करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करने से अवॉइड करेंगे, ड्रिंकिंग हॉट वाटर, अवॉइडेड क्राउडेड प्लेस, या फिर रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट। यदि बच्चे को कीमोथेरेपी दी जाती है तो कीमोथेरेपी में आप की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी बच्चे को भीड़ भाड़ वाले इलाके से अवॉइड करने को कहेंगे। क्यों, क्योंकि कीमोथेरेपी देने के बाद आपकी इम्यूनिटी ना के बराबर बचती है, और ऐसे केस में बच्चे को दूसरे यदि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आप लेके जाते हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के और दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो बच्चे को जब भी कीमोथेरेपी दी जा रही है तो आप उसके लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचें। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए लीव करती हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। क्रेमर्स रूल इज़ यूज्ड फॉर। क्रेमर रूल्स किसको असेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपने यंग फार्मूला पढ़ा, पार्कलैंड फार्मूला पढ़ा और बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े, वैसे ही क्रेमर्स रूल किसको असेस करने में यूज़ किया जाएगा, एस्फेक्सिया, बर्न, एंटेरोकोलाइटिस या फिर जॉइंटिस, तो किसको असेस करने के लिए क्रेमर्स रूल अपनाया जाएगा। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो सब इन्वोल्यूजन, इन्वोल्यूजन का मतलब है कि जैसे यूट्रस 6 वीक में रिवर्ट बैक हो जाती परपीरियम पीरियड में, ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है कि जो वेजाइना है, वेजाइना कितने टाइम में दोबारा से इन्वोल्यूट हो पाएगी। डिस्टेंसिबल वेजाइना की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंसिबल वेजाइना है कितने टाइम में रिवर्ट बैक हो पाएगी, इन्वोल्यूट हो पाएगी। ऑप्शन में है 9 से 11 हफ्ते, 13 से 14 वीक, 4 से 8 वीक या फिर 0 से 3 वीक्स। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसिबल वेजाइना की बात की जा रही है, डिस्टेंसिबल वेजाइना का मतलब है कि आफ्टर इंटरकोर्स और वर्जिनिटी जाने के बाद, वर्जिनिटी जाने के बाद और आफ्टर इंटरकोर्स है जो वेजाइना सेम एज नहीं रहेगी। जो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि इन्वोल्यूट केस में कितने टाइम तक जाएगी। यदि आफ्टर डिलीवरी के बाद हम बात करें तो यदि एक बार आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो दोबारा से वेजाइना वापस उसी शेप में नहीं जा पाती है। जो एक नॉन प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट की जगह में भी कह सकते हैं कि जो भी लेडी
इंटरकोर्स नहीं किए हैं तो उस उनका जो एक डिफरेंस है बीच का वो यहाँ पर कहलाएगा डिस्टेंसिबल वजाइना। और ये टाइम एटलीस्ट लगेगा 4 से 8 हफ्ते तक का, लेकिन ये कम्प्लीटली वैसे नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 4 to 8 weeks। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि अपनी टोन तो गेन कर लेगी, जो वजाइना है नॉर्मल टोन में आ जाएगी, बट नेवर टू बी वर्जीनियल स्टेट। जो वर्जिनिटी है वो वापस से यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि द म्यूकोसा रिमेंस डेलिकेट फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स एंड सम म्यूकस वेनस कंजेशन परसिस्ट इवन लॉन्गर। तो इसीलिए दोबारा से जो टोन है वजाइना अपनी गेन कर जाएगी, लेकिन जो वर्जिनिटी है वो आपकी वापस नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है आपका कि एटलीस्ट जो इन्वोल्यूशन की बात की जा रही है वजाइना के, अभी तक आपने यूट्रस का तो बहुत पढ़ा है कि 6 हफ्तों में आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद यूट्रस है जो 6 वीक में ड्यूरेशन रहता है परपीरियम पीरियड का, उसमें क्या होती है इन्वोल्यूट हो जाएगी। लेकिन वजाइना इन्वोल्यूट होगी 4 to 8 weeks में, लेकिन दोबारा से वापस वैसे वर्जिनिटी वाली कंडीशन में नहीं जा पाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन रिकॉन्स्टिट्यूट और डिजॉल्व शुड बी यूज्ड विद इन हाउ मैनी आवर। तो जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन लगती है तो इसका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है, मतलब घोलने के बाद जो डिजॉल्व फॉर्म है, कितने घंटों के अंदर यूज कर लेना है आपको। ऑप्शन में 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर्स या फिर 7 आवर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि BCG, मीजल्स और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इन तीन में से कोई सा भी पूछे तो इनका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है, पाउडर फॉर्म से रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में और डिजॉल्व फॉर्म में आप रखते हैं, तो विद इन 4 घंटे के आपको यूज़ कर लेना है, अदरवाइज 4 घंटे से ज़्यादा होता है तो आपको थ्रो कर देना है। इनकेस आपने इंजेक्ट कर दिया तो जो भी पेशेंट, जिसके भी लिए आपने वैक्सीन लगाई है, उसके लिए जो साइड इफ़ेक्ट होंगे वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की कंडीशन से लेके पर्सन की कभी कभी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए 4 घंटे के बाद यदि वैक्सीन का पूछे कि कितने घंटे तक यूज़ कर सकते, तो 4 आवर, मोर देन 4 आवर से ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है और थ्रो इट कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट वन, ऑल आर द सिम्टम ऑफ कुशिंग ट्रायड एक्सेप्ट। तो सभी कुशिंग ट्रायड के सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या फिर ब्रेडिपनिया। कुशिंग ट्रायड देखने को मिलता है कब, जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है। क्या है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, ICP बढ़ेगा, तब कुशिंग ट्रायड की कंडीशन डेवलप होगी। तो कुशिंग ट्रायड में जो कंडीशन होगी, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगा, डायस्टोलिक हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिपनिया होगा। क्लियर, ये चीज़ें होंगी, लेकिन डायस्टोलिक हाइपरटेंशन नहीं होगा। कुशिंग ट्रायड एक फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम की ऐसी कंडीशन है जिसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर ICP बढ़ जाएगा। अब इसमें 3 चीज़ें बढ़ती हैं, इसलिए इसको ट्रायड नाम दिया गया है। कुशिंग ट्रायड की कंडीशन में क्या होगा कि सिस्टोलिक BP है वो बढ़ेगा, पल्स घटेगी, जो कहा गया ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिपनिया, मतलब रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट भी घटेगी। तो यहाँ पर यदि बात करें कुशिंग ट्रायड की, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि यदि ICP में पूछते हैं तो क्या है, ICP बढ़ा हुआ है, और यदि कंडीशन होती है तो यहाँ पर डायस्टोलिक BP क्या होगा, घटेगा, ना कि बढ़ेगा, सिस्टोलिक BP बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, डिक्रीज्ड ग्लूकोज इन CSF सजेस्टिव ऑफ। तो यदि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सैंपल के लिए लिया गया है और उसमें यदि ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम है, मतलब कि क्या डायग्नोस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस, वायरल मेनिनजाइटिस, ब्रेन एप्सेस या फिर बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यदि ग्लूकोज का लेवल घट जाए CSF में तो कंडीशन डेवलप होगी बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। क्या होगा, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन CSF जो सजेस्टिव है वो बैक्टीरियल, फंगल या फिर ट्यूबरक्लाई मेनिनजाइटिस, 3 रीजन हो सकते हैं। स्पेशली जब भी ग्लूकोज का लेवल घटेगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, मतलब मरीज को क्या है, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस हुई है,
मेनिंजाइटिस के सिम्टम पूछे जाते हैं, रुजिंस की कर्निंग साइन और जो नेक रिजिडिटी रहेगा, फीवर होगा, तो ये सब क्या है, इसके साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको बहुत आता है, वो आपका ये रहा, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इट इज़ कॉल्ड एज। एंटीरियर कर्वेचर, यदि स्पाइन का क्या है, एंटीरियर जो कर्वेचर है, तो वो क्या कहलाएगा, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया। अभी ये काइफोसिस MPNHM के एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड में स्कोलियोसिस पूछा है और एक में पूछा है काइफोसिस। तो एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन कहलाएगा लॉर्डोसिस। क्या है लॉर्डोसिस? इस टाइप के क्वेश्चन आपको विथिमेज से समझना ज़्यादा ईजी है। क्या है लॉर्डोसिस? मतलब आगे की तरफ जो कर्वेचर है वो क्या है, लॉर्डोसिस। काइफोसिस का मतलब है यहाँ पर फॉरवर्ड। क्या है? फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक। जो आपकी बैक है वो एक तरीके से कूबर टाइप से रहेगा नेक के, यहाँ पर वो है, तो यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक। स्कोलियोसिस में क्या है, पूरा स्पाइरल शेप में होगा कर्वेचर। क्या है? साइड में या फिर स्पाइरल में होगा, तो वो है स्कोलियोसिस। जो एक हेल्दी कर्वेचर होता है स्पाइन का, वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट वन, एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। तो एट्रोपिन दी जाती है यदि किसी के लिए इनहेल करने वाले एनेस्थीसिया दिए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए, मसल टोन के लिए, सीक्रेशन के लिए, नोजिया वॉमिटिंग के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। एट्रोपिन कॉमनली यूज की जाती है एनेस्थेटिक, इनहेलेंट एनेस्थेटिक के पहले, क्यों, ताकि सीक्रेशन को कम किया जा सके। सीक्रेशन कम होगा तो एस्पिरेशन के चांसेस भी कम रहेंगे, तो सीक्रेशन को कम करने के लिए क्या दी जाती है, एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन बोन फ्रैक्चर सीन इन द चिल्ड्रन। तो बच्चों में सबसे कॉमन हड्डियों का फ्रैक्चर कौन सा है, क्लेविकल, फीमर, टीबिया या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कौन सा फ्रैक्चर है बच्चों में सबसे कॉमन। बच्चे जनरली जब गिरते हैं, मोस्ट ऑफ दी बच्चे गिरते हैं, सभी गिरते हैं, इवन आप भी गिरे होंगे, मैं भी गिरी होंगी बचपन में, लेकिन बाई गॉड फ्रैक्चर नहीं हुआ कभी। तो यहाँ पर फ्रैक्चर है, बच्चों में जो फ्रैक्चर होता है, जब भी वो गिरते हैं तो अपने हाथ है जो आगे की तरफ एज ए सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, जब वो सपोर्ट के तौर पे हाथ यूज़ करते हैं तो रिस्ट के यहाँ पे उनको फ्रैक्चर होता है, लेकिन रिस्ट के यहाँ फ्रैक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर उनमें कंप्लीट फ्रैक्चर नहीं होता। कंप्लीट का मतलब है कि बोन बेंड हो जाएगी, बेंड होने का मतलब थोड़ा क्रैक मारेगी बोन, लेकिन बेंड रहेगी साथ में, वो कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देखिए यहाँ पर एक्सरे इमेज देखिए आप, कॉमनली फ्रैक्चर देखने को मिलता है रेडियस बोन में। रेडियस बोन बेंड हो, किस तरीके से, हाफ लकड़ी तोड़ेंगे आप, हाफ टूटेगी, हाफ जुड़ी हुई रहेगी। ये बच्चों में होने वाला सबसे कॉमन फ्रैक्चर है, क्यों, क्योंकि वो गिरेंगे, हाथ अपने जो पंजे हैं आगे की तरफ एज अ सपोर्ट के तौर पे लगाते हैं, उसी टाइम पे उनको फ्रैक्चर हो जाता है, किसमें, रेडियस बोन में, और एक कंप्लीट तरीके से नहीं होता है। ग्रीन स्टिक का मतलब बेंड रहेगी बोन, वहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्चर होगा, बेंड होगी, लेकिन पूरे तरीके से बोन बाहर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन से आपको 10-12 क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस इज बेस्ट विथ द करेक्ट डेफिनेशन। पहले प्रीफिक्स सफिक्स बताओगे तब आपको समझना और इजी होगा। प्री मतलब पहले लगेंगे, सफिक्स मतलब एंड में लगेंगे। तो प्रीफिक्स हैं जो सही क्या है, ए बी मतलब अगेंस्ट, डिस मतलब अराउंड, टैकी मीन्स स्लो, मोनो मतलब बन। क्या है जो सही प्रीफिक्स है, आपने टैकीकार्डिया पढ़ा है, टैकीपनिया पढ़ा है, क्लियर। तो इसमें क्या होती है, टैकीकार्डिया फास्ट होगा तो ये स्लो है, तो ये नहीं है, ब्रेडी में स्लो होगा, क्लियर। डिस मतलब कुछ एबनॉर्मेलिटी है, क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। ए बी मतलब कुछ एबसेंट है, मोनो मतलब सिंगल और वन। तो यहाँ पे अब आप अंदाज़ा लगाइए आंसर क्या होगा, टैकी की जगह ब्रेडी होता तो आप इसको कह देते सी ऑप्शन को, लेकिन यहाँ पे मोनो मीन्स होता है सिंगल और वन। तो सही प्रीफिक्स की जो डेफिनेशन होगी वो क्या है, मोनो, मोनोसाइट, मोनोन्यूक्लियोसाइट, मोनोऑक्यूलर, जितने भी वर्ड में वन चीज़ है मतलब वो क्या है, मोनोप्लेजिया, ये सब क्या है यहाँ पर, सिंगल है मतलब वन है।
अभी देखिए यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, आई होप आपको प्रॉपर विजुअल हो रही हो, क्लियर। तो जब भी आपको पूछा जाए, यदि प्रीफिक्स की बात करें, सफिक्स की बात करें हम, कभी भी आगे एन हो मतलब कुछ ना कुछ है ही नहीं, विदाउट एन यूरिया, एन यूरिया, क्लियर। यहाँ पर मैं आपको विद एग्जांपल के बता रही हूँ। अवे फ्रॉम, ए वी का मतलब होता है, सॉरी अगेंस्ट नहीं, अवे फॉर्म होगा, अवे फॉर्म। जैसे एबडक्शन, एडक्शन मतलब पास में आप अपने हाथ ला रहे हैं, एबडक्शन मतलब अपने जो सेंट्रल पार्ट है इससे दूर ले जा रहे हैं हाथों को, तो क्या होगा एबडक्शन। एबल का मतलब एबल ही होगा, कोई भी चीज़ काम कर, कैपेबल है आप किसी चीज़ के लायक, परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। फिर ए सी एस और फुल ऑफ, इसका मतलब फुल ऑफ। ऑस्टी, ऑस्टी ऑस्टिक्टिक आपने पढ़ा है, तो ऑस्टिक का मतलब यहाँ पर क्या है, वो सुनना, हियरिंग से रिलेट करेगा। एक्रो मतलब एक्सट्रीमिटीज आएंगी आपकी। एड, जैसे अभी एब मतलब अवे था, एड मतलब पास में और टूवर्ड्स, जहाँ पर भी बर्ड है जो एड्रिनो जुड़ जाता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड और रीनल ग्लैंड से रिलेट करता है आपका बर्ड, क्लियर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। प्रीफिक्स पूछ सकते हैं, सफिक्स पूछ सकते हैं। एलजिया जुड़ जाए वर्ड, मतलब कुछ पेन से, न्यूरलजिया, न्यूरलजिया मतलब नर्व पेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द वर्ड डिस्फेसिया मीन्स डिफिकल्टी डूइंग व्हाट, तो यहाँ पर डिस्फेसिया शब्द का अर्थ क्या करने में कठिनाई है, ईटिंग और स्वालोइंग, स्पीकिंग, डिस्ट्रॉइंग या फिर रिमेम्बरिंग। डिस्फेसिया का मतलब है यहाँ पर स्पीकिंग डिफिकल्टी, क्या है स्पीकिंग डिफिकल्टी, बोलने में दिक्कत होना। लेकिन यहाँ पर डिस्फेसिया, डी वाई एस पी एच ए जी आई ए, एस आई ए का डिफरेंस हो गया, डिस मतलब कहीं पर भी, डी वाई एस जुड़ा मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है, क्या है डिफिकल्टी है। अब यहाँ पर कहा गया है कि डिस्फेसिया का मतलब होता है क्या, स्पीकिंग डिफिकल्टी, लेकिन डिफिकल्टी इन स्वालोइंग पूछे या फिर डिस्फेजिया, ऐसा ये की जगह जी आई ए कर दें यहाँ पर एंड में, तो क्या कहलाएगा डिस्फेजिया, और इसका मतलब होगा डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, क्लियर। नेक्स्ट वन, द वर्ड क्वाड्रीप्लेजिया मीन्स हाउ मेनी एक्सट्रीमिटीज आर पैरालाइज्ड, तो क्वाड्री का मतलब होता है फोर, टेट्रा का मतलब तीन, हेमी का मतलब एक साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वाड्रीप्लेजिया शब्द का अर्थ है कि कितने अंगों को लकवा मार गया है, वन टू थ्री या फिर फोर। तो यदि बात करें हम मोनो कहेंगे तो एक हाथ हो सकता है, एक पैर हो सकता है, सिंगल एक्सट्रीमिटीज हो सकती है। फिर टू कहा है मतलब यहाँ पर डाई प्लेजिया आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। थ्री कहा है तो टेट्रा, फोर कहा है मतलब चारों हाथ पैर चारों हैं, क्या हैं लकवा मार गए हैं, नेक के नीचे का हिस्सा, तो वो क्या कहलाएगा क्वाड्रीप्लेजिया। ये देखिए पैरालिसिस में हम बात करते हैं तो मोनोप्लेजिया का मतलब होता है कि सिंगल एक्सट्रीमिटी पैरालाइज्ड हुई है, हेमी का मतलब होता है पूरा एक साइड का हिस्सा, वन साइडेड ऑफ योर बॉडी, मतलब राइट साइड भी हो सकती है लेफ्ट हो सकती है लेकिन कोई एक साइड हो सकती है। डाइप्लेजिया का मतलब है आपका दोनों हाथ, क्या है दोनों हाथ, बोथ हैंड। पैराप्लेजिया का मतलब है लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब नीचे का हिस्सा, क्वाड्री का मतलब है बिलो नेक, चारों हाथ पैर आपके क्या हो जाना लकवा मार जाना, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द एंटीडोट फॉर पैरासिटामॉल पॉइजनिंग इज, यदि कोई 5-10 डोलो खा जाए एक साथ तो क्या होगा, पैरासिटामॉल है जो डोलो ही है वो, तो डोलो यदि कोई खा जाए 5-6 या पैरासिटामॉल खा जाए 10 खा जाए 20 खा जाए 500 mg की, तो क्या एज एन एंटीडॉट के तौर पे देंगे आप, नेलोक्सोन, एन एसिटाइल सिस्टीन, एट्रोपिन या फिर विटामिन के। तो ये तो हमारी नर्सिंग का सबसे प्यारा क्वेश्चन है कि यदि कोई ज़्यादा ओवरडोज पैरासिटामॉल खा ले क्या दे देंगे आप उसको, एन एसिटाइल सिस्टीन, एसिटामिनोफेन हो गया, पैरासिटामॉल हो गया, यदि इन दोनों के लिए पूछे तो एन एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट है अर्ली फीचर्स ऑफ एस्प्रिन पॉइजनिंग आर, तो एस्प्रिन पॉइजनिंग यदि एस्प्रिन ओवरडोज हो जाए क्या है जो यहाँ पर देंगे आप उसको, सॉरी यदि किसी को एस्प्रिन का ओवरडोज हो जाता है तो क्या साइन देखेंगे आप उसकी बॉडी में,
रेसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर में, या फिर हेडेक होगा। एस्प्रिन पॉइजनिंग का सबसे फर्स्ट साइन होता है कानों में घंटी सी बजना, टिनिटिस, क्या बोलेंगे उसको, टिनिटस, वो क्या है, वो रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, क्या होगा, कानों में घंटियाँ सी बजेंगी, वो कहलाएगा रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर।